हेलो दोस्तों, मैं आपको बहुत ही प्राचीन जानकारी देने वाला हूं जो कि आज से 200 साल पुराना एक प्रोसेस है जो आज भी उसी प्रोसेस से लाइम यानी चूना को बनाया जाता है। जी हां, मैं आपको दिखा रहा हूं एक चूने का भट्टा। और आइए हम समझते हैं पहले केमिकल फॉर्मूला से। देखिए, जब लाइम स्टोन को हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्यूक लाइम रह जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा में उड़ जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी उसमें मिलाया जाता है तो उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वेरियस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कंस्ट्रक्शन, केमिकल और इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में भी इसको यूज किया जाता है। और जब यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हवा के कॉन्टैक्ट में आता है तो वापस से लाइमस्टोन वापस से बन जाता है। तो यही एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिस पे ये पूरा भट्टा चल रहा है आज भी। तो देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो कोयले की मदद से, जो कि लम साइज का कोयला होता है, और लाइमस्टोन, जो कि लाइमस्टोन की जहाँ पास माइनिंग होती है वहाँ से लाइम को लाया जाता है। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि देखिए, यहाँ पास एक पार्ट होता है भट्टे में जहाँ पास नीचे कोयला, उसके ऊपर लाइमस्टोन और उसके ऊपर फिर से कोयला रखा जाता है और दोनों को मिक्स करके ये मैनुअली यानी वर्कर के थ्रू इस भट्टे में डाला जाता है, जैसे कि यहाँ पास आपको मैं दिखा रहा हूँ। आइए तो मैं भट्टे के पास भी चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मैनुअली इस भट्टे में कोयला डाला जा रहा है और वहाँ पास टेम्परेचर क्या होता है। जी हाँ, देखिए ये जो भट्टा है यहाँ पास टेम्परेचर करीब 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पास बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है जिसमें लाइम को रेडी किया जा रहा है। और देखिए, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जो इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो उसमें ऑलरेडी लाइम बन चुका है, यानी एक दिन तक रखा जाता है इस भट्टे के अंदर आग लगा के, इसमें कोयला वगैरह डाल के, और जो नीचे वाला पार्ट है वो बन जाता है प्रॉपर तरीके से लाइम। अच्छा, यहाँ मतलब ये खोद खोद के? नहीं नहीं, ये बेलची से वो अपने आप। अच्छा, उधर से ही निकलता जा रहा है? हाँ, निकलता चला जा रहा है, खोदना नहीं पाता। अच्छा, ये चूना हो गया। अच्छा, इसका वेस्टेज मटेरियल भी होता होगा कुछ, वेस्ट जो मतलब लाइम नहीं बना होता है ऐसा कुछ भी? हाँ, मतलब सारे लाइम बन जाते हैं कि मतलब कुछ तो? नहीं, नहीं, हाँ। ये खराब हो गया। क्यों, कैसे पता चलता है खराब? मतलब ये कच्चे निकल गए। हाँ, मतलब कोयला जो है हल्का सा कम हो गया। अच्छा, ये कच्चे निकल गए, खराब। अच्छा, ये खराब। ओके, और ये सब सही है? हाँ, ये सही। वेट हल्का है? हाँ, किसी का हल्का होता है, खुश है। अच्छा, देखिए, इनसे ये जानकारी लेने के बाद ये भी पता चला कि जो इसका छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है इसको ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भेजा जाता है, बहुत ही स्टेट में, जो कि ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग करने में यानी इसको मिक्स किया जाता है मजबूती के लिए। और जो उसके बड़े बड़े पार्ट होते हैं, जो लाइम इंडस्ट्रियां होती हैं, लाइम कंपनियां होती हैं, उनको सप्लाई किया जाता है फर्दर प्रोसेस के लिए या फर्दर कंज्यूमर एंड तक पहुंचाने के लिए। तो इस तरीके से आपको मैंने दिखाया कि किस तरीके से लाइम रेडी किया जाता है और थ्रू ट्रक और बाय रेल पूरे इंडिया में भेजा जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करके बताइएगा कि कैसे बन रहा है ये लाइम, और कमेंट करके ये बताइए कि अगला वीडियो आपको किस फैक्ट्री के बारे में जानना है। थैंक यू सो मच।